नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम्स वे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं अभी तक, उनको 3-4 वीडियोस मिल गई होंगी JOIT से रिलेटेड। तो अब आज की जो हम मेरी अगली वीडियो है, ये भी JOIT की सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड की, कि कीबोर्ड होता क्या है, उसमें अलग अलग कीज़ होती हैं, उनका क्या काम रहता है और उससे रिलेटेड क्या है, इनसे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में भी क्या आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो आज की वीडियो में पहले हम समझेंगे कि कीबोर्ड होता क्या है, कैसे ऑपरेट करता है। उसके बाद अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, स्क्रीन के ऊपर आपको कीबोर्ड दिख रहा होगा, उस पर आपको अलग अलग क्या है कीज़ वगैरह दिख रही होंगी, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कीबोर्ड होता क्या है। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जिस भी बच्चे को कंप्यूटर के बारे में पता है उसे 120% गारंटी है कि कीबोर्ड के बारे में भी क्या होगा, पता होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। आगे हमें क्या बोल रहा है, द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू टाइपराइटर। देखो, आज से पहले क्या यूज़ होते थे, टाइपराइटर यूज़ होते थे ज़्यादातर। तो टाइपराइटर का जो हमारा सिस्टम होता था काम करने का, वो भी किसकी तरह होता था, कीबोर्ड की तरह होता था। बस स्लाइड से उसमें क्या होते थे, थोड़े से डिफरेंसेस होते थे। इसके बाद हम बात करते हैं कीबोर्ड की मेन चीज़ों की। तो कीबोर्ड में क्या है, द कीबोर्ड हैज़ ऑल द अल्फाबेट्स एंड 0 to 9 न्यूमेरिक डिजिट्स ऑन अपर लाइन विद सम कंट्रोल कैरेक्टर्स। लाइक वहाँ पे क्या है, अल्फ़ाबेट्स भी हैं, 0 to 9 तक क्या है नंबर्स भी हैं, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी दिए हैं, जैसे एट द रेट, हैश, डॉलर, परसेंट, रिटन अबव द न्यूमेरिक डिजिट्स, की जो हमारे न्यूमेरिक में डिजिट लिखे हैं उसके ऊपर ये सारे के सारे क्या दिए हुए हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स दिए हैं, जो आजकल क्या है यूज़ होते हैं। चलिए, इसके बाद था ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड इज़ अ न्यूमेरिक कीपैड, कि जो हमारी ये कीबोर्ड की जो कौन सी वाली साइड है, राइट हैंड साइड है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, एक न्यूमेरिक कीपैड होता है। ऑल न्यूमेरिक डिजिट एंड कैलकुलेशन सिंबल्स, और वहाँ पे क्या दिए हैं, सारे के सारे कौन से दिए हैं, नंबर्स तो दिए ही हैं फास्ट कैलकुलेशन के लिए, और साथ में कैलकुलेशंस में जो हमारे सिंबल्स यूज होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, वो भी वहाँ पे क्या है साथ में दिए हैं, कि अगर हमने फास्ट कैलकुलेशंस वगैरह करनी हो तो हम इस पोर्शन को कीबोर्ड के क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये ज़्यादा कहाँ पे यूज़ होता है, बैंक में इसका बहुत ज़्यादा काम होता है, जहाँ पे डेली की बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, एंट्रीज होती हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट कीज़ ऑफ द कीबोर्ड, कि जो हमारा एक कीबोर्ड है उसमें अलग अलग तरह की क्या होती हैं, कीज़ होती हैं। तो उन कीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जैसे हमारी फर्स्ट कीज़ आती हैं कौन सी, फंक्शनल कीज़। अब देखो, फंक्शन वर्ड से ही हमें समझ आ जाना चाहिए कि इनका क्या है, कोई एक स्पेशल फंक्शन होगा। जैसे हमारे घर पे कोई प्रोग्राम है तो स्पेशल कुछ फंक्शन होता है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, इनविटेशन देती बार कि हमारे यहाँ कोई फंक्शन है, आप इतनी इतनी तारीख को आ जाना। तो कीबोर्ड में अगर हमने कुछ स्पेशल काम करना हो तो हम कौन सी कीज़ के थ्रू कर सकते हैं, F1 से लेकर F12 तक। और ये कीज़ जो होती हैं कीबोर्ड के, कहाँ होती है, एकदम टॉप मोस्ट लाइन में होती हैं, जो क्या यूज़ करती हैं, किस चीज़ का काम करती हैं, स्पेशल फंक्शंस के लिए काम आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट कीज़ है हमारी अल्फ़ाबेट कीज़। दीज कीज़ आर 26 इन नंबर एंड कंटेन अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z इन अपर एंड लोअर केस, कि इसमें जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं कितने होते हैं, सबको पता है 26 होते हैं, इसमें कैपिटल में भी लिखे होते हैं और स्मॉल में भी, हम अपने हिसाब से उसको अपर और लोअर केस में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कीज़ हैं कौन सी, न्यूमेरिकल कीज़। न्यूमेरिकल कीज़ का क्या है, दीज आर 10 इन नंबर, कितनी होती हैं, 10, 0 to 9। दीज कीज़ आर प्रेजेंट इन सेकेंड रो फ्रॉम टॉप ऑफ कीबोर्ड एंड ऑल्सो ऑन द न्यूमेरिक पैड, कि कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, सेकेंड रो पे टॉप से, और साथ में न्यूमेरिक की पैड पे भी अवेलेबल होंगी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कीज़ हैं लॉजिकल साइन कीज़। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया लॉजिकल साइन कीज़, जैसे हमारे कौन कौन सी कीज़ होती हैं, साइन वाली होगी, ग्रेटर देन, लेस देन, क्वेश्चन मार्क, स्टार, इक्वल टू, एट्सेट्रा, ये हमारी कौन सी होती हैं, लॉजिकल साइन कीज़ होती हैं, जो स्पेशल जगह पे क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। इसके बाद है हमारी अर्थमेटिक एंड मैथमेटिकल कीज़। कुछ कीज़ हैं जो अर्थमेटिक में क्या होती हैं, हमारी यूज़ होती हैं ऑपरेशंस के लिए, जैसे प्लस, माइनस, एंड,
डिवाइड एट द रेट एटसेट्रा। ठीक है, इसके बाद हमारी नेक्स्ट कीज कौन सी आती हैं, स्पेशल कीज। दीज कीज आर यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पसेस, कि जो हमारे देखो वर्ड क्या है कीज के लिए यूज किया गया है, स्पेशल कीज। इसका मतलब ये कीज वो हैं जो किस काम के लिए यूज हो रही हैं, स्पेशल काम के लिए यूज हो रही हैं। चलिए तो देखो, वेरियस स्पेशल कीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो, नीचे या नेक्स्ट में आपको सारी के सारी कौन सी कीज बताऊंगा स्पेशल कीज। तो सबसे पहले है कर्सर मूवमेंट कीज, कि देखो जब हम टाइप कर रहे हैं करते हैं वर्ड के ऊपर, तो हमें लेफ्ट भी मूव करना होता है, राइट भी मूव करना होता है, टॉप भी बॉटम भी, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, अलग अलग क्या कीज़ यूज़ करते हैं, तो उनको हम कौन सी कीज़ बोलते हैं, कर्सर मूवमेंट कीज़, जो आपको अप डाउन लेफ्ट और राइट में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट की है हमारी एस्केप की, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट की यूज टू डीएक्टिवेट द रॉन्गली रिटन कमांड, कि अगर हमने गलती से कोई क्या कर दी है, कमांड यूज कर ली है, तो एस्केप की से हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इसके बाद हमारी जो की है एंटर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट की है हमारे कीबोर्ड में एंटर की, दिस एन इम्पॉर्टेंट की ऑन द कीबोर्ड, इट सेंड्स द डाटा इन टू द कंप्यूटर, इट इज ऑल्सो यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, कि ये हमारी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की है। जैसे हम एंटर मारते हैं, डाटा हमारा किसको चला जाता है, कंप्यूटर को, और वो अपना काम क्या करता है, स्टार्ट कर देता है सर्च करना। जैसे मान लो हमने गूगल के ऊपर कुछ लिखा और जैसे ही एंटर की प्रेस की, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक वो सर्चिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और जब हम टाइपिंग कर रहे हैं तो हम एंटर की के थ्रू क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में भी जंप कर सकते हैं। इसके बाद है हमारी कौन सी न्यूमेरिक कीपैड, दिस कीपैड इज लोकेटेड ऑन राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड के कहाँ होगा, राइट साइड पे। इसमें नंबर भी होंगे 0 से 9, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हमारे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एटसेट्रा यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब देखो न्यूमेरिक कीपैड में एक छोटा सा फंक्शन होता है, इट फंक्शंस व्हेन न्यूमेरिक लॉक की इज ऑन, कि देखो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारी ये न्यूमेरिक कीज है इनको लॉक कर दिया जाए, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है लॉक का और उसी में क्या होता है ऑन का, तो अगर हम लॉक कर देंगे तो नंबर्स लॉक लग जाएगा, और जैसे ही उस पर क्लिक कर देंगे दोबारा, तो नंबर्स यूज करने के लिए क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। इसके बाद आती है हमारी स्पेशल कीज में ऑल्ट एंड कंट्रोल कीज। अब ये ऑल्ट एंड कंट्रोल कीज क्या है ये देखते हैं, दीज की आर यूज अलॉन्ग विद द कम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिकल कीज, मतलब देखो हम कंट्रोल और ऑल्ट जो हमारी की है उसको सिंगल हैंड यूज नहीं कर सकते हैं, उसको हम किसके साथ यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट कीज के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी चीज़ को क्या करना है, जब मैं वर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ उसे बोल्ड कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस बी, तो क्या हो गया, कंट्रोल तो हमारी आ गई कौन सी स्पेशल की, और बी मेरी कौन सी आ गई अल्फाबेटिकल की। इसके बाद मेरी कौन सी की है नेक्स्ट, इंसर्ट की, दिस की इज़ यूज टू इंसर्ट अ लेटर इन अ वर्ड, कि अगर हम कोई एक वर्ड लिख रहे हैं उसके बीच में हम कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, इंसर्ट के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद है कैप्स लॉक की, देखो अब कैप्स लॉक की का क्या काम है, दिस की इज़ यूज टू टाइप लेटर इन अपर एंड लोअर केस, कि देखो कैप्स का मतलब क्या है, कि बड़े में लिखना है या छोटे में लिखना है, अगर हम बड़े कैप्स बड़े अक्षरों में लिखना हो ए टू जेड या कुछ भी, तो हमें कैप्स लॉक क्या करना पड़ेगा, ऑन, तो कीबोर्ड के ऊपर एक लाइट आ जाएगी। इसी तरह से अगर लोअर केस में लिखना हो तो हम दोबारा से कैप्स की के ऊपर क्या करेंगे, प्रेस, तो केस क्या हो जाएगा, लोअर, और जो कीबोर्ड के ऊपर आपको लाइट ब्लिंक करती हुई दिखेगी वो क्या हो जाएगी, हट जाएगी। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट की होती है वो है स्पेस बार, दिस की क्रिएट्स स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स, देखो स्पेस की किस चीज़ के लिए हेल्प करती है, जब हम एक वर्ड लिखते हैं जैसे आपने कोई बुक पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में क्या दी होती है, कुछ स्पेस दी होती है, तो किसकी हेल्प से दी जाती है, स्पेस की हेल्प से या स्पेस बार की हेल्प से दी जाती है। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट की कौन सी, डिलीट की, इट इज़ यूज टू डिलीट रिटन वर्ड्स, अगर हमने कुछ भी लिखा है उसको हम क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, डिलीट की हेल्प से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारी बैक स्पेस की, ये भी हमारा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जब भी हम यूज़ करते हैं तो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ यूज व्हेन अ लेटर और वर्ड
नीडेड टू मूव बैकवर्ड, कि जब हमें किसी वर्ड को कहाँ लेके जाना है, बैक साइड में लेके जाना है, तो हम कौन सी की यूज़ करेंगे, बैक स्पेस की। इसके बाद है हमारी कौन सी, पॉज की। पॉज की क्या हेल्प करती है, इट इज़ यूज टू टेम्परेरली स्टॉप द एक्टिविटी ऑन द स्क्रीन, कि हमारी स्क्रीन के ऊपर जो भी एक्टिविटी हो रही है उसे हम क्या चाहते हैं, पॉज करना चाहते हैं, तो पॉज की के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसे पॉज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट की है वो कौन सी की है, प्रिंट की। दिस की इज़ यूज टू प्रिंट द इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन एंड प्रिंटिंग, कि जो हमारी स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन दिख रही है उसे अगर हमने क्या करना है, प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट की को प्रेस करके क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट उसका ले सकते हैं। तो ये थी हमारी कीबोर्ड से रिलेटेड अलग अलग कौन सी कीज़, जिसमें मैंने आपको जो हमारा कीबोर्ड था उसको पूरी तरह से क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्या है, पूछी जा सकती है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में। उससे पहले कुछ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये जो आपको कंटेंट मिल रहा है, अगर ये आपको कंटेंट क्या लग रहा है, रेगुलर जो क्लास मिल रही है वो अच्छी लग रही है, और आप चाहते हैं कि हम लोग जो अन्य सब्जेक्ट हैं JOIT के लिए उसके लिए भी क्या लेके आएँ, इसी तरह से रेगुलर वीडियोस लेके आएँ, तो कमेंट में वहाँ पे अपना कमेंट में अपने नाम के साथ जिस सब्जेक्ट के लिए आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाएँ कमेंट में लिखें, और हमारा जो भी उत्साह है उसको अपने कमेंट के थ्रू क्या करें, बढ़ाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।